हरियाणा में एक बाबा 90 अपने आश्रम के तहखाने में 90 से ज्यादा लड़कियों के साथ बलात्कार कर चुका है। जी हां, 120 से ज्यादा अश्लील फिल्में बना चुका है ये, उन अश्लील फिल्मों की सौदेबाजी कर चुका है ये। इन बाबा का नाम है जलेबी बाबा। ये खबर आपको झकझोर देगी, बाबाओं से भरोसा तो उठा ही देगी। नजर डाल रही गिलासी में क्या डाल के ले आए बाबा, अंदर ले गए गुफा में, गलत वीडियो बनाई, बाबा ने हमारी जिंदगी खराब की है। एक सौ बीस से ज्यादा अश्लील फिल्में, तमंचा रखकर बलात्कार, फेसबुक पर 461 विदेशी महिला मित्र, शमशान वाली जादुई अफीम खिलाकर रेप, आश्रम के अंधेरे में सूनी गोद भरने की गारंटी, मोबाइल पर चलाता था गंदी फिल्मों का कारोबार, कलंक के जो आंकड़े आप सुन रहे हैं वो जलेबी बाबा के कलंक कथा की छोटी सी बानगी है। शमशान घाट से लेकर नदी के किनारे तक जलेबी बाबा की ऐसी सनसनी फैलाने वाली कहानियां सामने आई हैं जिसने सबको हैरान कर दिया है। जलेबी बाबा के कलंक की कहानी खोलें, उससे पहले उसका पता और ठिकाना जान लीजिए। पूरा नाम अमरपुरी उर्फ जलेबी बाबा, पता हरियाणा का फतेहपुर, काम महिलाओं की झाड़ फूंक, कारनामा मोबाइल से बनाई 120 गंदी फिल्में। हरियाणा के फतेहपुर के टोहाना में एक बाबा गारंटी के साथ निसंतान महिलाओं की सूनी गोद भरने की गारंटी देता था। पूरे इलाके में बाबा की चर्चा थी, जलेबी बाबा का पूरे टोहाना में जलवा था। कोई चमत्कारी बाबा कहता, कोई बाबा को महान बताता, कोई दुख हरता समझकर उसके पैरों में गिर जाता। बस यूं समझिए, बाबा की जय जयकार हो रही थी, कोई नहीं जानता था कि बाबा कहां से आया था। जलेबी बाबा के अच्छे दिन चल रहे थे, लेकिन एक दिन ऐसी कहानी सामने आई जिसने लोगों के पैरों तले से जमीन खींच ली। बाबा बलात्कारी निकला, बाबा के आश्रम में इत्र और बॉडी स्प्रे देखिए, सजने धजने का साजो सामान देखिए, जलेबी बाबा का ये श्रृंगार दान देखिए, जलेबी बाबा के पापों का घड़ा
फूटा तो पुलिस ने आश्रम पर छापा मारा। छापे में और क्या क्या मिला वो हम आपको टीवी पर नहीं बता सकते। पुलिस ने आश्रम से मिली चीजें जब्त कर ली। बाबा को हिरासत में ले लिया गया है। कैसे फूटा जलेबी बाबा के पाप का घड़ा, कैसे सामने आई बाबा की 120 गंदी फिल्में, बाबा क्यों बनाता था अय्याशी की फिल्में, शमशान घाट की मिट्टी में क्यों दबाता था अफीम, बताएंगे, बने रहिए। तो जलेबी बाबा तमंचे के दम पर नशीली दवाएं खिलाकर बेहोश करके तंत्र मंत्र करके जैसे वो चाहता उस तरीके से दुखियारी लड़कियों और औरतों के साथ बलात्कार करता, उसे मोबाइल में रिकॉर्ड करता। जब पुलिस ने बाबा का मोबाइल देखा तो गिनती नहीं कर पाई कि उसके मोबाइल में उसके खुद के कितने गंदे वीडियोस हैं। हरियाणा का जलेबी बाबा सचमुच जलेबी की तरह टेढ़ा था। 120 से ज्यादा लड़कियों से ज्यादती और 120 से ज्यादा अश्लील फिल्में बाबा ने जैसे छोटी मोटी पॉर्न इंडस्ट्री ही खोल रखी थी। 90 से ज्यादा बलात्कार कर चुका है जलेबी बाबा। बाबा के मायाजाल में फंस गई महिलाएं। आश्रम में चलाता था पॉर्न इंडस्ट्री। पापा के साथ गए थे और उन्होंने पापा छोड़ के बाजार चले गए सामान लेने को खरीदने। फिर बाबा कुछ पता नहीं गिलासी में क्या डाल के ले आए, वो मुझे पिला दिया। बाबा अंदर ले गए गुफा में, फिर वहाँ पे ले गए, उसने गलत वीडियो बनाई। बाबा ने हमारी जिंदगी खराब की है। जलेबी बाबा के जाल में जो फंसा वो लुट गया। आश्रम में महिलाओं को बेहोश कर देता था जलेबी बाबा। नब्बे से ज्यादा महिलाओं से बलात्कार करने के साथ साथ 100 से ज्यादा अश्लील फिल्में बना डालना कोई मामूली जुर्म नहीं है। ये आंकड़ा इतना ज्यादा है कि सुनकर यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है। 120 से ज्यादा पोर्न फिल्में सुनकर लगता है कि मानो बाबा अपने आप में चलती फिरती पोर्न इंडस्ट्री हो। लेकिन इतने गुनाहों को सालों तक छुपाए रखने के लिए किसी इंसान को जितना शातिर दिमाग होना चाहिए, बाबा उससे दो कदम आगे था। तभी तो न सिर्फ हरियाणा के टोहाना में बाबा बालकनाथ के आश्रम की आड़ में अपनी काली करतूतों को सालों साल पर्दा डालने में कामयाब रहा, बल्कि नई नई लड़कियों को भी अपना शिकार बनाता रहा। अब तक बेशक 90 लड़कियों की 120 से ज्यादा अश्लील फिल्में पुलिस के हाथ लग चुकी हों, लेकिन खुद पुलिस को भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि बाबा की अश्लील फिल्मों की सही सही गिनती क्या है और कहां जाकर खत्म होती है। जलेबी बाबा की करतूतों से पुलिस भी हैरान। बाबागिरी की आड़ में अय्याशी का खेल, बाबा के साथ हर फिल्म में नई लड़की। इन करतूतों का खुलासा होने के बाद बेशक अब तक ये सबसे अय्याश और बदनाम जलेबी बाबा पुलिस के शिकंजे में आ चुका हो, पुलिस को जब इसके एक मुखबिर ने बाबा की अय्याश फिल्मों से भरी एक सीडी सौंपी तो उसकी जांच करते हुए वर्दी वाले भी सिहर उठे। हर फिल्म में बाबा के आश्रम में बना तहखाना, तहखाने में रखी चीजें, आसपास का माहौल, बाबा की करतूतों में सब कुछ एक जैसा था। लेकिन हर बार हर फिल्म में बाबा के साथ एक नई लड़की होती। लेकिन बात यहीं तक नहीं है। पुलिस को अपनी छानबीन में पता चला है कि लड़कियों को तंत्र मंत्र के नाम पर फंसाकर अपने तहखाने तक ले जाने वाले ये बाबा उनसे ज्यादती के दौरान बकायदा शपथ दिलाता था। जलेबी बाबा सम्मोहन शक्ति के बल पर करता था बलात्कार।
लड़कियों को काबू में करने के लिए सुंघाता था नशीली दवाएं। शमशान में गड़ी हुई अफीम को बताता था सबसे बड़ा प्रसाद। हर नई लड़की को बाबा न सिर्फ सम्मोहन और नशे के जाल में फंसाकर काबू कर लेता, बल्कि ज्यादती के दौरान उससे लगातार शपथ दिलाने की तर्ज में ये बुलवाता रहता कि ये सब कुछ लड़की अपनी मर्जी से और खुशी से कर रही है। असल में ये एक ऐसा मानसिक हथकंडा था जिसके बाद बाहर जाकर कुछ देर के लिए खुद लड़की के लिए ये तय कर पाना मुश्किल हो जाता था कि ये सब कुछ असल में उसकी मर्जी से हुआ या मर्जी के खिलाफ। बाबा रहस्यमयी सम्मोहन क्रिया में माहिर था। जलेबी बाबा खुद को तंत्र मंत्र का उस्ताद बताता था। वो महिलाओं को फंसाने के लिए भूत प्रेत का ड्रामा करता था। जलेबी बाबा के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने वाली लड़की एक बार फिर सामने आकर बाबा के खिलाफ तहरीर दे चुकी है, लेकिन अभी पुलिस को बाबा का शिकार बनने वाली उन अनगिनत महिलाओं का भी इंतजार है जिनके साथ बाबा ने ज्यादती की और उनकी अश्लील फिल्में बनाकर उन्हें सर्कुलेट कर दिया। महिलाओं को नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश करता था, उसके बाद नशे की हालत में उनसे करता था ज्यादती। इस दौरान वो शातिर बाबा चुपके से महिलाओं के अश्लील वीडियो भी बना लेता था। वीडियो है जिसमें अलग अलग लड़कियों के साथ वो दुष्कर्म करते हुए वो वीडियो बनाई हुई है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, तो इसमें हम लोगों ने तुरंत प्रभाव से इसमें हम लोगों ने मुकदमा दर्ज करके इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और बाबा को राउंड अप भी कर लिया है। जो भी संदिग्ध जो सामान जो है वो जो भी मिला है उसको हम लोगों ने कब्जे में लिया है और उसकी गहनता से हम लोग बाबा से पूछताछ कर रहे हैं और जो भी सामान मिला है उसकी हम तहकीकात कर रहे हैं। पुलिस ने अमरपुरी आश्रम से अश्लील वीडियो के साथ साथ जड़ी बूटी, नशे की गोलियां, झाड़ फूंक करने के लिए लोहे की छड़ी, भभूत और इत्र बरामद किया है। आरोपी बाबा के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 292, 506, 308 और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया था और फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में जेल में है। पूजा पाठ की आड़ में बाबा के इस गंदे धंधे की भनक शायद किसी को नहीं होती अगर दो महिलाओं ने इसकी पोल न खोली होती। इन दो महिलाओं का दावा है कि बाबा आश्रम में आने वाली महिलाओं को नशे की गोलियां खिलाकर उनका रेप करता है और अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चौदह साल पहले यह जलेबी बाबा सड़क के किनारे ठेले पर जलेबी और पकौड़िया बेचता था। धीरे धीरे झाड़ फूक करने लगा, फिर दावा करने लगा। उसके आशीर्वाद से बड़ा संकट टल जाता है, दुख दूर हो जाते हैं, निसंतान दंपत्ति की सूनी गोद भर जाती है और इस तरह फर्जी बाबा की दुकान चल निकली। जेल पहुंचा जल्लाद जलेबी बाबा। खुद को चमत्कारी बताता था बाबा। कौन है ये जलेबी बाबा, क्या है इसका इतिहास? महिलाओं की परेशानी को दूर करने का दावा करके बाबा ने इलाके में ऐसा ऑरा बना लिया था कि सब उसे चमत्कारी मानने लगे थे, लेकिन किसी ने उसके इतिहास के बारे में जानने की कोशिश नहीं की। बाबा दुख दूर करने का दावा करता और उसके अंधभक्त उसकी जय जयकार करते। हमने जब जलेबी बाबा के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि बाबा 100% ढोंगी था। असल में जो बाबा खुद को चमत्कारी बताता था वो पहले जलेबियां छानता था। 14 साल पहले ठेला लगाता था जलेबी बाबा। जलेबी बनाने का माहिर कारीगर था जलेबी बाबा। दुकान पर पकौड़े भी बेचता था जलेबी बाबा।